बहुत ही सही जगह क्लिक किया है दोस्तों आपने, सभी को मेरा राम राम। देखिए बच्चा यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ठीक है। इसमें हम रूट एक्स को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब रूट एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स बाय रूट एक्स माइनस वन, ठीक है। अब उसके बाद डी एक्स, ये हो गया रूट एक्स। अब इसको करो रैशनलाइज, तो देखो जब रूट एक्स ऊपर आएगा है ना, और इंटू रूट एक्स माइनस वन, फिर अगेन जाओ तो ये डी एक्स, अच्छा मुझे वैसे लिखना चाहिए था यार, चलो कोई बात नहीं। तो ध्यान से देखो, एक्स एक्स क्या हो गया, रूट एक्स एक्स, मैं जानबूझ के आपको पहले ही बताना, ये कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पुट क्या रूट एक्स माइनस वन इक्वल्स टू टी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय टू रूट एक्स होता है, कांस्टेंट का जीरो, और डी एक्स यहाँ पर डी टी, इजी समझ में आई भाई, डी टी बाई डी एक्स होगा, डी एक्स को इधर भेज दिया मैंने, ठीक है। अच्छा भाई टू की जरूरत भी नहीं है, कोई बात नहीं, तो डी एक्स अपॉन में रूट एक्स इज इक्वल्स टू टू डी टी हो गया। यहाँ तक कहानी क्लियर है, बस ये मेन मुद्दा ये होता है कि हमें उस फंक्शन में ना हमें पता लगना चाहिए कि हमारे पास वो वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, ठीक। अब वहाँ से देखो इंटीग्रेशन में ऊपर डी टी हो जाएगा, इसको अगर इसको ले लें, ये क्या हो गया डी टी, और नीचे हो गया टी, इसमें कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, लॉग टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या थी, रूट एक्स, बहुत अच्छी बात, हाँ बताओ, अच्छा टू 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 टू, सॉरी 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 सॉरी, टू टू, अच्छा ठीक है, टू यहाँ पर है, तो ये टू जो था ये आगे उठ के आ जाएगा, ये भी एक रूल है, तो रूट एक्स माइनस वन स्क्वायर, अब ये होगा आंसर पीछे, ठीक है। एक बार देख सकते हैं इसे, ज़रा नोट करो फटाफट जल्दी, आप समझ में आया नहीं आया, ठीक है, कोई डाउट हो तो बताना। वीडियो भी आप शेयर कर दे करूँगा ग्रुप में, जैसी आएगी ना तुम्हारी वाली, सारी बातें शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देखते रहो। देखो मैंने ये कहा पुट एक्स प्लस फोर इक्वस टू टी, ये बोला था मैंने, आप रूट को भी रखे जा रहे हो, मैं रूट एक बार भी बोला मैंने कि रूट रखो, एक्स इक्वस टू कितना जाएगा टी माइनस फोर, ठीक है। अच्छा इसको करना है आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको कर लो उसको कर लो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा देखो भाई ना, डी एक्स भाई एक्स का वन हो गया, चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, वन प्लस ये जीरो हो गया, और ये डी टी वाई डी एक्स, आप इसको करोगे तो भी आंसर आएगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया वन इंटू डी एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये एक्स को टी के टर्म्स में टी माइनस फोर हो गया, और नीचे हो गया रूट टी इंटू डी टी। अब मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे आप, इसे सेपरेट कर लो, टी अपॉन में रूट टी फोर अपॉन में रूट टी इंटू डी टी, इसको क्या करोगे पावर ले जाओ ऊपर, वन और टी की पावर माइनस हाफ, फोर टी की पावर माइनस हाफ डी टी, तो ऐड करो, वन माइनस हाफ कितना आएगा हाफ, है ना फोर, और यहाँ पे क्या होगा हाफ डी टी, ठीक है। इंटीग्रेशन करोगे तो हाफ प्लस वन माइनस फोर माइनस हाफ प्लस वन, अब प्लस सॉरी शक्तिमान नीचे तो हम भूल ही गए, प्लस का सी, ठीक है। अच्छा एलसीएम लोगे तो कितना आएगा थ्री बाई टू, नीचे बताओ थ्री नीचे टू ऊपर, है ना, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर, तो देखो हाफ टू सॉरी माइनस माइनस ही रहेगा, वो प्लस का आएगा ना, प्लस टू माइनस वन वो हो जाएगा, मतलब प्लस टू माइनस वन वन, और टू ऊपर पहुँच जाएगा, और यहाँ पर वही प्लस टू माइनस वन यानी कि हाफ प्लस सी। टी की वैल्यू कितनी होगी टू बाई थ्री, टी की वैल्यू अभी हमने क्या पुट की थी, टी की वैल्यू ये थी एक्स प्लस फोर की पावर थ्री बाई टू माइनस एट एक्स प्लस फोर की पावर हाफ प्लस सी, आंसर।
ठीक है, नोट करो फटाफट जल्दी। देखो बच्चों, अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्वेश्चन सा हल्का सा आपको लगेगा, हल्का सा टफ सा, मगर इजी है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसे ना ब्रेक कर देते हैं, एक्स की क्यूब माइनस वन वन बाई थ्री, इसे लिखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, सॉरी एक्स क्यूब इंटू एक्स। क्यों करा अभी बताते हैं आपको। पुट एक्स क्यूब माइनस वन को टी पुट कर दो। अब लिखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, टू एक्स सॉरी थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री आगे आएगा ना, इंटू डी एक्स, और ये गड़बड़ हो गई थी वहाँ पर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी बाई थ्री। अब देखो बच्चा, ये एक्स की क्यूब है, तो एक्स की क्यूब क्या हो जाएगा, टी माइनस वन। यहाँ भी ये भी चीज़ें क्लियर हैं। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चा, देखो मैंने इसको ब्रेक, ये देखो ये क्या हो गया हमारा डी टी बाई थ्री, ठीक है, और अंदर ये क्या हो गया हमारा टी, तो टी की पावर वन बाई थ्री है ना, और एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया हमारा डी टी बाई थ्री, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट। अच्छा एक्स की क्यूब, एक्स की क्यूब, एक्स की क्यूब की वैल्यू क्या लिखी हमने, टी माइनस वन, तो टी माइनस वन, ठीक है, आगे पीछे लिख दे कोई दिक्कत नहीं, अभी कर देते हैं सही। टी वन बाई थ्री, टी माइनस वन डी टी बाई थ्री, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वन बाई थ्री प्लस वन, और वन बाई थ्री इंटू, ये वन बाई थ्री बाहर हो गया डी टी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी ना, वन बाई थ्री, तो कितना हो जाएगा बच्चा, थ्री फोर बाई थ्री डी टी माइनस वन बाई थ्री डी टी, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, वन बाई थ्री, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान देखिएगा, कौन सा बच्चा, यू एक मिनट जाओ, ये इधर जाके, बहुत अच्छा बात, ठीक ठीक सही बात कह रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्लस में हो जाएगा, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। यहाँ देखो कितनी बड़ी मिस्टेक चल रही थी, मैं एकदम सही पकड़े हैं आप, कभी कभार ये गलती तो मेरे से गलती से हुई है, कभी कभार मैं जानबूझ के भी कर देता हूँ जिससे बच्चा पकड़े, ठीक है, ये ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे ही होगा। अब इंटीग्रेट कर दो, ये कितना आ जाएगा, फोर बाई थ्री प्लस वन, और नीचे फोर बाई थ्री, ये सॉल्व कर लेना यार, है ना, टी वन बाई थ्री प्लस वन, और वन बाई थ्री प्लस सी, यहाँ तक कोई डाउट है ना, एलसीएम लोगों तो तीन और एक सात हो गया, और तीन ऊपर पहुँच जाएगा है ना, तो तीन से तीन कट जाएगा, वैसे तो तीन दोनों में ही है, तो आप वन बाई थ्री को बाहर ही रहने दो, ठीक है। इसे क्या करोगे, देखो ऊपर थ्री और नीचे सेवन है ना, चार तीन सात, और यहाँ पे कितना होगा, वही सेवन बाई थ्री, ठीक है जी, प्लस यहाँ भी कहा नहीं, ऐसे तीन और एक चार है ना, तो ऊपर तीन नीचे चार, और यहाँ क्या हो जाएगा, फोर बाई थ्री, ठीक है जी, प्लस सी, ठीक है जी, तीन को ऊपर से कॉमन ले लो, तो तीन 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 क्या हो गए, मौज लेने चले गए। तो t की वैल्यू क्या थी हमारी बताओ ज़रा, x की क्यूब माइनस वन सेवन बाई थ्री है ना, अपॉन में सेवन, प्लस x की क्यूब माइनस वन फोर बाई थ्री अपॉन में फोर, और प्लस c, ये कट गया बस ये आंसर, ठीक है, अब कुछ कॉमन नहीं आएगा, सिंप्लीफाई हो चुका है पूरा, ठीक है बच्चा। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताएं, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, किसी को भी कोई डाउट होता है कोई समस्या होती है तो प्लीज़, आप लोगों को एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व मिलेंगे, तो आप लोग प्लीज़ जो है ध्यान से करिएगा, ठीक है, सभी को मेरा राम राम।